मेरा प्यार भरा पलक और छोटू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ। और मौसम की बात की तो मौसम मस्त वाली धूप लगी हुई है और हमारा खाना पीना हो गया है। चलो फिर अब जाती हूँ मैं पुराने वाले घर की तरफ और तो मौसम भी दिखा देती हूँ साथ साथ में। सुबह से तो मेरा बहुत ही काम हो रखा था जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था मेरे से। और अभी मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 12 बजे से और जितना हो पाएगा तो वो दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी तबीयत भी आज बहुत ही ख़राब हो रखी है तो इसके बारे में मैं बता ही नहीं सकती आपको। जब मेरे पे टाइम लगेगा तभी बताऊंगी मैं। तो हम तो इस भूड़ पे पहुंचे हैं, अभी पूरा भूड़ इतना बंद पड़ रखा है, यहाँ से जा रहा है हमारा डॉगी। तो इतना गंदा रास्ता हो रखा है, इतना गंदा क्योंकि मैं नहीं थी घर पर इसलिए पूरा गंदा सा हो रखा है, पूरे इधर उधर रखे ये झील पूरे कांडे के। तो चलो फिर चलते हैं आपको और वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे। तो मैं पहुंच गई थी यहाँ इजर वाले हैं पे, यहाँ पे बोलते हैं इजरा है। और एक रास्ता ऊपर को जाती है, एक डूबरा धार वाले जंगल जाने वाला रास्ता है। हम यहाँ से तो हम पहुंच गए हैं फिर यहाँ घनघोर वाले जंगल पे, यहीं से हमारा रास्ता। और तो बहुत ही थकान लग रही है आजकल, जैसे कि काम हम कुछ किया नहीं था तो मतलब चलने में भी थकान जैसे लग रही है। हम पहुंच गए हैं फिर आधे रास्ते पे, अब थोड़ा ही बचा है घर पे पहुंचने वाले घर पे पहुंचने के लिए। और यहाँ पे खिले हुए हैं बुरास ब्रांस तो निकले हैं, खाली छोटे छोटे वाले लगे हुए हैं क्योंकि अब फूल दही आएगी, फूल दही त्यौहार आएगा। तो इस फिर अपने घर पे थोड़ा ही बचा है, ये रहा मेरा कस्सी जो कि कुदाल का काम करेगा। तो हम किस लिए जा रहे हैं वो अभी दिखाएंगे वहीं पे जाके। और ये रहे मेरे पहाड़ी काजू बादाम, तो आप देख सकते हो। और ये क्या है गाइस, कौन कौन बता सकते हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। तो जो कमेंट करके बताओगी तो उनका मतलब अच्छे से बताओगी तो चलो ठीक है, नहीं आएगा तब पे आया है एक डॉगी हमें मिलने के लिए। देखो हमारे पुराने वाले डॉगी जो कि पुराने वाले घर का रखवाले करता है ये। चलो अच्छे से दिखाते हैं आपको। तो हम पहुंच गए हैं फिर अपने होम टूर पे, ये रहा हमारे डॉगी जो कि ये घर घर की रखवाले करते हैं। और सब दरवाजों पे चाबी लगा हुआ है क्योंकि मेरी सास एक जगह आपको पता ही है नहीं दिखती है, अगर कभी इधर कभी उधर मतलब मन भी नहीं लगता होगा घर में बैठने के लिए अकेले अकेले, तो चाबी लगा के पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। सब दरवाजों पे चाबी लगा हुआ है और सामने उधर देवरानी के जब दरवाजे खुले हैं वो गए हैं खेत में गायों को चराने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं, जिस काम के लिए आते हैं उसको दिखा देते हैं। और सामने वहाँ सीमा लगा रही है झाड़ू, सीमा तो इतनी भूतकार हो गई आजकल, इतनी भूतकार हो गई पता ही नहीं चलता सीमा को अब क्या काम कर देती है, कुछ से पता ही नहीं चलता। सुबह आई थी हमारे वहाँ, मैं पोछा लगा के आई हूँ बोल रही, अभी जैसे ही हम यहाँ पे आए तो ये आंगन को साफ कर रही है। तो हमको पानी की प्यास लग गई, चलो भाई एक बार पानी पी लेते हैं। बाय दादा, बाय दादा, बाय बोल दिए दादा, बाय वो तो ना खा लगे दादा था ना जन ना खा देखो आ खा ले यहां बिल्ला छु खाने की जगह ना आने अब जो बात ना है पा दे। तो गाइस योगेश ना युवराज देखो गाइस कैसा है, बहुत ही अच्छा। हेलो बोल दे, बाय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बुला पछाड़ ना लाइव अच्छा के पसंद नमस्ते नमस्ते कौन बोलेगा रे। तो ये युवराज आ गए हैं मेरे साथ काम करने के लिए, और तो कोई नहीं आएंगे, एक ही युवराज कर देगा मेरे मदद, है ना, है ना, हाँ बोल देना ना खाना ले ये दे कौन होना बोल दो आ मेरे खाब जान दे नाग लिखी अभी ये चपला से गर्व का जी है नहीं है गर्व का जी है तो ये जो तिमला दान खाए बे तिमला का दान खाएगा इधर लाभ तिमला का दान टिप तो ऑटो अभी बिस्कुट के लाए नहीं है मिल जाए तिमला दान कुछ तुम दान कर
कुछ पूछा ये ना खाने से दूर लगा गया था। नहीं खाते हैं गंदी चीजें, गंदी चीजें नहीं खाते हैं। अच्छा और तो खाओ डाल दिया तो मैंने हल्दी हल्दी भी निकाल दी है। हल्दी निकाल के थोड़ा गोबर डाला उसमें। उसके बाद यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा पानी की प्यास लगती थी, पानी पिया। फिर पानी पीने के बाद सीमा ने चाय बना के लाई, तो अब चाय पी रही हूँ। तो अभी जाते हैं घर पे, फिर दोबारा यहीं आना है। और सीमा वहाँ पर बकरी को अंदर गोट में डाल दी है, तो वहाँ पर है चाची को। तो गाय जहाँ पे है चाची वहाँ पे है सीमा। वो पानी वो अंदर आई तो क्या कर रही थी, वो बर्थडे की तैयारी में लग गई। अभी बोले मैं तो भूल गई थी, बस अंदर गई तो अंदर ही रह गई। बोलिया ऐसी जो मेरी चेल हुई है तो गाय जैसे ही मैं सीम वो कैमरा को बंद करी तो वैसे ही सीमा इतना बोल रही है, क्या बताऊं। फिर भैया का बर्थडे है, बल यहीं रहो, बल वो वाले अंदर वो सोएंगे, बल ये वाले अंदर हम सोएंगे, बल सबका बंटवारा अभी से करने लग गई। फिर उसकी मम्मी बोले तो घर ही जाओगे ना, घर ही जाओगे, हम नहीं रहते हैं, बल यहाँ हम भी तो लोग ही हैं। बल फिर मैंने बोला सीमा को खड़ी तो हमारे अंदर गोट में तो नहीं डालेगी। हाँ सीमा छोटी सी बच्ची है, इतना झरोक पड़ी है बच्ची को, इतना सारा काम करती है वो तो मैं बता ही नहीं सकती आपको, बहुत ही सारा काम होता है। और छोटे भैया को भी देखना हुआ, स्कूल भी जाना हुआ, कहाँ होता है बच्चों के साथ इतना, फिर भी बहुत अच्छी है। सो यार गाइस हम पहुंच गए फिर बर्थडे पार्टी में, और आज है यहाँ पे बर्थडे। वो तो मैंने आगे ही बता दिया था, मतलब इतने सारे लोग आ रखे, इतने सारे लोग तो मैं बता ही नहीं सकती आपको। तो मेरा लुक था पूरा भूत की तरह, मैंने अभी किसी और से जॉकी तो मांग के थोड़ा अपना लुक अच्छा बना रखा है। और रहा केक बर्थडे बॉय का, और इस तरह से केक है बहुत ही अच्छा डेकोरेशन का रखा है अपने हिसाब से। और यहाँ पे लगा रखे हुए छोटे छोटे गुब्बारे, और इतने सारे लोग हैं। देखो गाइस मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, सच्ची बोल रही हूँ। बुआ जी और मेरी सासू माँ, मैं हूँ राजेंद्र कुमार केक बहुत खुश है बच्चा। तो बर्थडे तुमको ही पहचान में नहीं आ रहा गाइस, देख सकते हो आप ऊपर से नीचे से नीचे मुझे बहुत है। खूब मिन बेटा खूब मिन दी इतने सारे गिफ्ट भी साथ साथ में जाने लग गए हैं, अभी खोल के दिखाएंगे तो ठीक है। तो बर्थडे गर्ल जो गए जो मम्मी आलो पूजा पा
खूब पदार्थ सकल डगिन उधर तो पूरे लगा ए आ कौन नया आ खावा ली रुक रुक तो यार गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे ना केक बॉय का तो पूरा शक्ल दिख रहा है बोडू केक से और अब तो छोड़ हो गया अभी सेलिब्रेट कर दिया मैं खाना खाते हो तू क्यों नहीं दिला बे अरे तू क्या बोल रहा है यहाँ से